हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन में ट्रिक पॉसिबल होगा मैं उसमें ट्रिक भी बताऊँगी। और रीजनिंग मैथ्स और साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप चाहें तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए एक स्पेशल चैनल क्रिएट किया गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप चाहें तो उस चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पे पहला, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं, ठीक है। जो समरूपता यहाँ पर है वही आपको बताना है कि इन डायग्राम में जो फिगर है इसमें क्या होगा। और जो क्वेश्चन फिल करना है क्वेश्चन मार्क वाले में, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर तीन साइड है, सेकंड वाले में आप देखेंगे यहाँ पे है पांच साइड, ठीक है, 1 2 3, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी कि तीन से साइड पांच बढ़ रही है। अब उसी तरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, यानी कि फोर है, तो फोर से टू हमें बढ़ा देना है साइड्स, क्योंकि फर्स्ट वाले में भी 3 to 5 जा रहा था, यानी कि तीन से पाँच जा रहा था, कि दो साइड्स बढ़ी थी, तो चार से छः हम बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें छः साइड्स हैं, जो हमें ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे तीन साइड हैं, ठीक है, अब यहाँ पर पाँच साइड हैं, तीन से पाँच हो रहा है, यानी कि दो साइड्स बढ़ रही हैं। इसी तरह यहाँ पर चार साइड हैं, तो चार से कितना बढ़ना चाहिए, दो बढ़ना चाहिए, यानी कि छः हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे छः साइड इसमें साफ साफ दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है, कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं आपको, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर जो एनालॉजी या जो समरूपता है वही आपको यहाँ पे भी स्टैब्लिश करके चार ऑप्शन में से सही आंसर आपको चुन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 90 डिग्री पे जो इमेज है वो रोटेट हुई है, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग 90 डिग्री पर रोटेट करेंगे, 90 डिग्री वामावर्त, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। वैसे भी हम लोग देखें तो ऐसी जो आकृति है वो यहाँ पे हमें ऑप्शन ए में ही दिख रही है, अगर आप लोग ट्रिक भी लगाएं तो, ठीक है, क्योंकि जो समरूपता यहाँ पर है 90 डिग्री वामावर्त। और अगर दूसरी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह का इमेज केवल जिसमें एक साइड कट है इसी में दिया है, ठीक है, बाकी सब में चेंज है। वैसे जो हमारा क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा, 90 डिग्री वामावर्त पर ये रोटेट हुआ है, तो उसी तरह यहाँ पे भी 90 डिग्री पर रोटेट होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 12 144, जो 12 का रिलेशन 144 से होगा वही आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में दो जगह फिल करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर फिर भी रिविज़न के लिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। जो समरूपता यानी कि जो एनालॉजी यहाँ पर है वही आपको इन चारों ऑप्शन में से सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, यानी कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। वैसे हमें यहाँ पे देखना है किसका यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर 40 नहीं होता, 15 का स्क्वायर 125 होता है नहीं होता है, 22 का ये भी नहीं होता, 20 का होता है 400, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 और 400, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर, बहुत ही आसान प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है 456 15, उसी तरह यहाँ पे 7 8 9, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके सामने, चार ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अगर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर भी मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, जो यहाँ पे दिया नहीं है 4 5 6, ठीक है,
बस इन्हीं डिजिट को आपस में प्लस कर लिया गया है। ठीक है, 4 + 5 9, 9 + 6 आपका 15। इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 7, 8, 9 दिया है, इनको आपस में कर लेंगे प्लस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 24, जो कि हमारा ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं किया गया, बस डिजिट को आपस में प्लस कर लिया गया है, ऐड कर लिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, 147, 741, 869, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ नहीं किया गया, ध्यान से देखेंगे तो आप, बस रिवर्स करके डिजिट को लिख दिया गया है। ठीक है, उल्टा करके लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे 147 है तो 741। ठीक है, 7 पहले आ जाएगा, 4 यहीं रहेगा, 1 लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे है 869, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 968। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। आई होप ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, बट टाइम बचाने के लिए आपको बहुत जल्दी से पैटर्न को देखना होता है, समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है डायग्राम। ठीक है, सभी संख्याएं दी हुई हैं, बट यहाँ पे आपको संख्या पता करनी है, चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखने में आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट बहुत ही आसान प्रश्न है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। क्या किया गया है, देखिए ध्यान से, ये जो डायग्राम दिया हुआ, देखिए क्या किया गया है, 9 को 7 से किया गया है मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 63। ठीक है, उसी तरह 7 को 2 से किया गया है गुणा मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 14। इसी तरह का 2 को 15 से क्या किया गया है मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, 30। इसी तरह 15 को 9 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 15 नवियाँ जा क्या होता है, 15 नाइन जा होता है यहाँ पे 135। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है। आसान प्रश्न था, कुछ नहीं था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया, इसको इसको मल्टीप्लाई किया गया, तो यही पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होगा, यहाँ पे और यहाँ पे आएगा 135। ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर, आसान प्रश्न था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, आपको बताना है, यहाँ पे 3 डिजिट दी हुई है, यहाँ पे भी 3 डिजिट दी हुई है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ये वाला आपको बताना है, और आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो किया गया, आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए 12 का हम लोग कर देंगे क्या स्क्वायर, और यहाँ पे जो 8 दिया हुआ है इसको कर देंगे स्क्वायर, और आपस में दोनों को घटा देंगे, कुछ नहीं किया गया, 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, 64 होता है 8 का स्क्वायर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आता है 80। ठीक है, पैटर्न आपको एक में समझ जाना है, फिर आपको बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए यहाँ पर टाइम लग रहा है, वैसे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होते हैं। क्या किया गया है, 12 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस किया, 80 आया। इसी तरह 16 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, फिर माइनस कर देना है इन दोनों को, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, और 7 का होता है 49, दोनों को माइनस किया आपस में तो हमारा क्या आ गया, 207, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अब यही सेम पैटर्न हमको इस वाले डायग्राम में भी फॉलो करना है, यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, 441, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 21 का स्क्वायर 441, एंड इनका डिफरेंस यानी कि माइनस करने पर क्या आएगा 184, जो कि हमारा किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, स्क्वायर करके माइनस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है, देखने आपको क्वेश्चन बहुत ही बड़ा लग रहा होगा बट बहुत ही आसान है, नीचे दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, आपके सामने चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। क्या करना है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है कि क्या किया गया है,
यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, सिंपल है, आपको देखने में टफ लग रहा होगा बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। क्या किया गया है, 6 को 4 से माइनस किया गया है, 6 पहले हम लोग इस वाले को देख रहे हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे 6 और 4 जो दिया हुआ है, क्या करना है, 6 माइनस 4, इसको हम लोग माइनस किया तो आया 2। यहाँ पे एक बात ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि यहाँ 4 है तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर किया तो आया 4। ठीक है, यही पैटर्न हमें सभी में फॉलो करना है। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं, यहाँ पे क्या करना है, 8 माइनस 5, यहाँ 8 है यहाँ पे 5 है, तो 8 में से 5 गए 3, उसके बाद मैंने क्या किया था, स्क्वायर किया था, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, जो कि यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 क्या होता है, यहाँ पे होता है 7, फिर 7 का हमें करना है क्या, स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या आता है, 49, जो कि यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है। अब हम लोग बात करते हैं जो हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, क्योंकि मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वैसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 7 माइनस 6 एक होता है, और 1 का स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, कुछ भी करिए, आंसर एक ही आएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे आएगा 1, जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट में साफ साफ दिख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। दोनों को माइनस किया, जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर कर दिया, दोनों को माइनस किया, जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर कर दिया, दोनों को माइनस किया, जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर कर दिया, दोनों को माइनस किया, 1 आया 1 का स्क्वायर 1 आता है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है, वह आमृति बताइए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच आकृतियों का सही संबंध दर्शाती है। ठीक है, पढ़ा भी मैंने गलत, यहाँ पे आकृति आएगी, डॉक्टर, वकील और व्यावसायिकों के बीच में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सिंपल है, आपको यहाँ पे दिखाना है कि ये तीनों आपस में किस तरह का संबंध या रिलेशनशिप बताते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डॉक्टर, वकील और व्यवसायिको। डॉक्टर और वकील एक तरह का क्या है, एक तरह का ये व्यवसाय है। ठीक है, तो डॉक्टर, वकील एक तरह का क्या है, ये व्यवसाय है। समझ में आ गया होगा, यह होगा आपको, डॉक्टर, वकील ये दोनों एक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के करा रखे हैं, प्लेलिस्ट के अलावा भी मैंने बहुत सारे ट्रिक के वीडियो भी बताए हैं, जैसे कि डाइस हो गया, और भी चीज़ें हो गई, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और जो नया चैनल क्रिएट किया गया उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो उन चैनल को जुड़े और जो सारे वीडियोज़ हैं उसको देखें। और वीडियो में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।